अगर कोई घर में दो बहुएं हैं, हर परिवार को मिलेंगे ये, परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। आप बताओ अगर सास की दो बहू है तो उनको कितना मिलेगा? अरे जोर से बताओ कितना मिलेगा? 24,000। अब एक बात और सुनना, अगर कोई किसान है तो किसान को 6,000 रुपया देते हैं मोदी जी, देते कि नहीं देते? और 4,000 रुपया देता है मामा, देता है कि नहीं देता? तो कितने हो गए ये? 10,000। और दो भैया है अगर तो हर खाते पे मिलता है, तो कितने हो जाएंगे? 20,000। तो आप बताओ 24,000 दोनों बहुओं को और 20,000 दोनों बेटों को कितने हजार हो गए? अरे हिसाब लगा के बताओ कितने हजार हो गए? आप बताओ एक परिवार को 44,000 भी मिलेंगे। और सासू जी अगर बूढ़ी है तो उनकी पेंशन 600 में 400 जोड़ के उनको भी 1,000 रुपया दूंगा। 5 मार्च से आवेदन भरना शुरू हो जाएंगे, हर गांव में कैंप लगाए जाएंगे। गांव गांव हमारे कलेक्टर कमिश्नर शासकीय कर्मचारी अधिकारी कार्यकर्ता ये सब आएंगे, फार्म भरवाएंगे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है मेरी बहनों के दफ्तर पे चक्कर लगा रहे हैं, हमारा फार्म भरवा दो, हमारा भरवा दो। तुम्हारे गांव में ही आके फार्म भरवाऊंगा, ठीक है? अरे जोर से बोलो ठीक है। तो गांव गांव में 5 मार्च से फार्म भरना शुरू हो जाएंगे। मार्च में, अप्रैल में फार्म भरने का काम पूरा, मई में सूची बनाने का काम पूरा, और जून से खाते में पैसा आना शुरू होगा।